हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट टू ऑफ चैप्टर सिक्स। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन आइकॉन पर भी क्लिक कर दो। तो सबसे पहला यहाँ पर स्टोरी है, पोस्टमैन अंकल इज़ इल टुडे, लेट्स डिलीवर द लेटर्स फॉर हिम। पोस्टमैन अंकल की आज तबीयत थोड़ी ख़राब है, चलिए हम उनके लिए लेटर्स डिलीवर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कुछ नंबर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 431, उसके बाद 432, और ये इस तरह से कंटिन्यू हो करके फाइनली 490 तक ये नंबर्स हैं। वो कह रहे हैं राइट द करेक्ट रूम नंबर्स ऑन द लेटर्स, देन फाइंड द रूम्स इन द अबव बिल्डिंग एंड सर्कल देम। सबसे पहले हमें यहाँ पर कैलकुलेशंस करके रूम नंबर्स फाइंड आउट करना है, फाइनली यहाँ पर उसे सर्कल करना है। जैसे सबसे पहला नंबर है यहाँ पर 445 प्लस 10, तो इट इज़ इक्वल टू 455। तो 455 हमें यहाँ पर सर्कल करनी है, तो 455 कुछ यहाँ पर है। नेक्स्ट है 467 प्लस 11, तो 467 को 11 से हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मेंटल मैथ हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो जैसे 467 प्लस 11 को हम करेंगे 467 प्लस 10 प्लस 1, क्योंकि 11 होता है 10 प्लस 1, तो 11 को ब्रेक करके हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले 467 प्लस 10 होता है 477 प्लस 1, 478, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 478। चलिए हम लोग जल्दी से उसे सर्कल करते हैं, तो 478 यहाँ पर है। नेक्स्ट है 450 माइनस 19, अब हमें 450 से 19 सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम एक दो तरीक़ों से कर सकते हैं, 450 माइनस 20 कर सकते हैं और फिर प्लस 1, तो 450 माइनस 20 और फिर प्लस 1। हमने 20 पहले सब्ट्रैक्ट कर लिया और फिर 1 ऐड कर दिया, मतलब इन टोटल हमने 19 सब्ट्रैक्ट किया जो हमें करना था। तो 450 माइनस 20 कितना होता है, 430 प्लस 1, 431, ये हमारा आंसर है। इसे आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर 431। एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, वो ये है 450 माइनस 19 वो कह रहे हैं, तो सबसे पहले हम माइनस 10 कर देते हैं और फिर माइनस 9। तो 450 माइनस 10 अगर हम करें तो वो होगा 440, माइनस 9 होगा 431, हमारा आंसर यहाँ पर सेम होगा। तो 431 को अब हम सर्कल करते हैं, 431 कहाँ पर है, यहाँ पर। नेक्स्ट है 430 प्लस 15, तो सेम उसी टाइप से इसको भी हम सॉल्व करेंगे, 450 प्लस 430 प्लस 15, 430 प्लस 15 को हम लिखेंगे प्लस 10 प्लस 5। 430 प्लस 10 होता है 440, प्लस 5 होता है 445, यहाँ हम लिखेंगे 445। अब हम उसे सर्कल करते हैं, 445 यहाँ पर है। नेक्स्ट है 480 माइनस 9, 480 से हमें अब 9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये डायरेक्टली आप कर सकते हो 471, 489 होता है 471। नेक्स्ट अब हम उसे सर्कल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 456 माइनस 20 विच इज 436, तो 436 को यहाँ सर्कल करेंगे, 435, 436। नेक्स्ट है 430 प्लस 20 प्लस 13, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 430 से पहले 20 ऐड करेंगे और फिर 13 ऐड करेंगे। 430 प्लस 20 होता है 450, 450 प्लस 13 करते हैं प्लस 13, 13 को हम ब्रेक करेंगे 10 प्लस 3, ये कितना हो गया 450 प्लस 10, 460 प्लस 3, 463, तो हमारा आंसर आया 463। 463 को हम सर्कल करते हैं,
नेक्स्ट है 426 प्लस 38। तो यहाँ हम दो तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल तरीका ये है, 426 प्लस 38 को ब्रेक कर देते हैं 30 प्लस 8। तो 426 प्लस 30 कितना होता है, 436, 46, 56। तो 456 और फिर फाइनली प्लस 8 विच इज इक्वल टू 464। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 464, और 464 को अब हम सर्कल कर लेते हैं। 464 यहाँ पर है। नेक्स्ट है 429 प्लस 10 प्लस 20। 429 प्लस 10 होता है 439, और फिर हमें प्लस 20 करना है। तो 449, 459 यहाँ पर आंसर आया 459। मतलब आप टेंस में एडिशन कर सकते हो। नेक्स्ट 459 को सर्कल कर लेते हैं। 459 यहाँ पर है। नेक्स्ट है 498 माइनस 23। तो अब हमें 498 से 23 सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, 498 से हमें टोटल 23 सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम पहले 20 सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो 498 से 20 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना मिलेगा हमें, 478, और फिर उससे हम 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, 478 माइनस 3, 475। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया वो आया 475। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 475। स्टूडेंट्स ये सारे माइंड कैलकुलेशंस ही आप करो तो बेटर है। ऐसे आप वंस, टेंस और हंड्रेड्स को यूज़ करके भी आप कर सकते हो, जैसा कि पार्ट वन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। बट बेटर है कि स्मॉल नंबर्स के लिए आप डायरेक्टली माइंड कैलकुलेशंस करो, और अगर लार्जर नंबर्स है तो आप वंस, टेंस और हंड्रेड्स मेथड यूज़ करके उसको सॉल्व करो। नेक्स्ट है 467 प्लस 22। तो इसको भी डायरेक्टली करेंगे, 467 प्लस 22 को हम क्या ब्रेक करके लिखेंगे, 20 प्लस 2। तो 467 प्लस 20 होता है 487, और फिर प्लस 2 विच इज 400, फाइनली ये हो जाएगा 489। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 489, और फिर 489 को हम सर्कल करेंगे। एक चीज़ और, यहाँ पर हमने 475 अभी कैलकुलेट किया था, इसे हम सर्कल करना भूल गए थे, तो इसे पहले सर्कल करते हैं 475 को। तो 475 यहाँ पर है, और अभी जो रिसेंटली हमने सॉल्व किया हमें आया 489, तो उसे हम यहाँ सर्कल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 452 प्लस 18। तो ये डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, 452 प्लस 18। तो सिमिलरली हम करते हैं 452 प्लस 10 प्लस 8। 452 प्लस 10 क्या होता है, 462, और फिर प्लस 8 विच इज इक्वल टू 470। तो 470 को आप सर्कल कर लेते हैं। नेक्स्ट है 461 प्लस 25। तो 461 प्लस 25 करते हैं, 461 प्लस 20 प्लस 5। 461 प्लस 20 होता है 481 प्लस 5। 481 प्लस 5, 486। चलिए 486 को सर्कल करते हैं। नेक्स्ट है 466 माइनस 33। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम 466 से हमें 33 माइनस करना है। तो पहले हम 30 माइनस करते हैं और फिर 3
और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो टोटल हमें 33 माइनस करना है। तो यहाँ पर टोटल 33 माइनस हो जाएंगे तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 466 माइनस 30 कितना होता है, 436। और फिर माइनस 3, तो फाइनली हमारा आंसर यहाँ क्या आ गया, 433। तो नेक्स्ट 433 को सर्कल करते हैं, और फिर फाइनली यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, 410 प्लस 13 प्लस 11, तो 410 प्लस 13 होता है 423 प्लस 11। तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं 423 प्लस 11 को हम ब्रेक करके लिखेंगे प्लस 10 प्लस 1, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 423 प्लस 10 433 प्लस 1 434, तो यहाँ आंसर आया 434। तो 434 को सर्कल करते हैं जो कि यहाँ पर है। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग नंबर्स, लुक एट द नंबर पैटर्न्स, राइट द मिसिंग नंबर्स। तो यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर्स को फाइंड आउट करना है, जैसे 100 है, नेक्स्ट है 200, उसके बाद 300, तो हम देख सकते हैं हर बार 100 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट नंबर होगा 400, उसके बाद 500, उसके बाद 600 और फाइनली 700, ठीक है। नेक्स्ट इस नंबर को देखते हैं, 900 से वो स्टार्ट हो रहा है, तो स्टूडेंट्स दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं, एक होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर और एक होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर तब हम कहते हैं जब नंबर्स जो है वो इंक्रीज करते चले जाते हैं, या फिर जो नंबर्स हैं वो स्मॉलर नंबर से बड़े नंबर्स के तरफ जाते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर तब कहते हैं जब नंबर्स स्मॉलर होते चले जाते हैं, जैसे ये जो ऑर्डर था आप देखो 100 से शुरुआत हुई थी और फाइनल नंबर हम यहाँ पर 700 तक पहुँच गए थे, तो आप देख सकते हो हर बार जो है नंबर जो नेक्स्ट नंबर है वो पहले वाले नंबर से बड़ा है, नंबर्स जो है वो लार्जर होते चले जा रहे हैं, तो इस ऑर्डर को हम कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स छोटे होते चले जाते हैं, जैसे यहाँ पर 900 से शुरू हुआ है, नेक्स्ट है 800 जो पिछले वाले नंबर से छोटी है, नेक्स्ट 700 जो 800 से छोटी है, तो नंबर्स जो है वो डिक्रीज करते चले जा रहे हैं, तो इस ऑर्डर को हम कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस नंबर को अब हम फाइंड आउट करते हैं, तो 900 उसके बाद 800, तो आप देख सकते हो 100 से बार बार वो डिक्रीज हो रहा है, नेक्स्ट 700, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा यहाँ पर होगा 600, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा 500, उसके बाद 400 और फिर फाइनली यहाँ पर 300। नेक्स्ट ये कौन सा ऑर्डर है स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, तो नंबर्स क्या है, तो 50 उसके बाद 100 उसके बाद 150, तो हम देख सकते हैं बार बार वो 50 ऐड कर रहा है यहाँ पर, 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 100 प्लस 50 200, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा 250, नेक्स्ट फिर से हम यहाँ पर 50 ऐड करेंगे, ये है 300, नेक्स्ट है 350 और फिर यहाँ पर 400। नेक्स्ट इन नंबर्स को देखते हैं, तो ये कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि नंबर्स जो है वो डिक्रीज होते चले जा रहे हैं, तो चलिए उन नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर, और जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, तो 300 सबसे पहला नंबर है, उसके बाद है 250 जो 300 से 50 छोटा है या 50 कम है, नेक्स्ट 200 जो 250 से 50 कम है, तो हम देख सकते हैं बार बार जो है 50 रिड्यूस हो जा रहा है नंबर से, तो हमें बस वही कंटिन्यू करना है, तो 200 के बाद यहाँ से हमें 50 सब्ट्रैक्ट करनी है, यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर 150, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 150 माइनस 50 100, और यहाँ पर क्या होगा 100 माइनस 50 विच इज 50। चलिए हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं,
तो यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर हमें दिया हुआ नहीं है और बाकी नंबर्स को फाइंड आउट करना है, तो देख के क्या हम ऑर्डर कह सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स आप देखो नंबर्स इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो नंबर है वो पिछले वाले नंबर से हमेशा बड़ा है, तो इसीलिए नंबर्स लार्जर होते चले जा रहे हैं, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। छोटे नंबर से बड़े नंबर्स की तरफ जब हम जाते हैं तो वो होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले तो ये नंबर्स ढूंढते हैं, तो 25, उसके बाद क्या है 35, तो 25 प्लस 10 करने से होता है 35, 35 प्लस 10 होता है 45, 45 प्लस 10 होता है 55, 55 प्लस 10 होता है 65। तो हम देख रहे हैं हर बार 10 10 यहाँ पर ऐड हो रहा है, मतलब 65 माइनस 10 होता है 55। अगर इस डायरेक्शन में जाएं 55 माइनस 10 45, 45 माइनस 10 35, 35 माइनस 10 25, 25 माइनस 10 15, तो यहाँ पर क्या होगा 15। नेक्स्ट इस ऑर्डर को देखते हैं, तो आप देखो यहाँ पर 280 से स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट नंबर है 260, जो 280 से छोटा है, मतलब बड़े नंबर से स्टार्ट हो रहा है और हम छोटे नंबर्स की तरफ जा रहे हैं, तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, यह है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए मैं यहाँ पर डी लिख रहा हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए आई, ठीक है। तो 280, नेक्स्ट 260, मतलब यहाँ से 20 सब्ट्रैक्ट किया है उन्होंने, तो वो पहुँचे 260 पर। 260 माइनस 20 240, 240 माइनस 20 220, 220 माइनस 20 200, 200 माइनस 20 180, 180 माइनस 20 160, ठीक है। आप और भी आगे बढ़ सकते हो यहाँ पर, 160 माइनस 20 140 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इस ऑर्डर को देखते हैं, तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है क्योंकि वो छोटे नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और बड़े नंबर्स की तरफ जा रहे हैं। तो 125 वो स्टार्ट कर रहा है और नेक्स्ट नंबर है 150, तो यहाँ पर उन्होंने कितना ऐड किया था कि वो नेक्स्ट 150 तक आए थे, तो इट वाज 25, 125 प्लस 25 होता है 150, 150 प्लस 25 175 प्लस 25 200, 200 प्लस 25 225, 225 प्लस 25 250, 250 प्लस 25 नेक्स्ट क्या होगा 275 और फाइनली यहाँ पर 300। नेक्स्ट यहाँ पर है मेंटल मैथ्स, तो ये सारे क्वेश्चंस को हमें माइंड में सॉल्व करना है, तो वहाँ पर उन लोगों ने ट्रिक बताया है 45 प्लस 30, तो 45 प्लस 35 को उन्होंने कैसे सॉल्व किया है, तो ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। 35 को ब्रेक कर रहे हैं 30 प्लस 5 में, तो वो 45 प्लस 30 प्लस 5, 45 प्लस 30 कितना होता है, उसके बाद फाइनली वो 5 यहाँ पर ऐड करेंगे, तो जैसे 45 प्लस 30 यहाँ पर कितना होता है, तो वो होता है 75 और फिर प्लस 5, तो फाइनली यहाँ पर जो आंसर आएगा विच इज़ 80, तो यहाँ पर आंसर आ गया 80। नेक्स्ट है 80 माइनस 35 इज इक्वल टू हाउ मच, तो इट इज़ इक्वल टू 45, यहाँ पर उन्होंने कर दिया पहले से, वो भी उन्होंने दिखाया कि कैसे किया है। तो 80 माइनस 35 कैसे करेंगे, अभी अभी हमने सीखा था, 80 माइनस 30 करेंगे फिर पहले और फिर फाइनली माइनस 5, 80 माइनस 30 होता है 50 और फिर माइनस 5 होता है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 प्लस डैश इक्वल टू डैश। तो यहाँ पर दो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले इस नंबर को हम इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, 75 माइनस डैश इक्वल टू 50, मतलब 75 से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि फाइनली हमें आंसर 50 मिल जाए। दिस इज सेम एज 50 से हम क्या ऐड करें कि फाइनली हमें आंसर 75 मिल जाए, ठीक है। मतलब जैसे आप 75 स्टेप्स पर हो और वो पूछ रहे हैं आप कितने स्टेप्स नीचे जाओ ताकि आप 50th स्टेप पे पहुंच जाओ, दिस इज सेम एज आप 50th स्टेप पर खड़े हो और कितने स्टेप्स ऊपर चढ़ोगे कि आप 75 स्टेप पर चले जाओगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर 50 प्लस हम यहाँ पर कितना ऐड करें कि हमें फाइनल आंसर 75 मिल जाए, तो यहाँ पर सिंपली 25, बिकॉज वी नो 50 प्लस 25 इट इज़ इक्वल टू 75, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, तो दिस इज सेम एज 75 माइनस 25 इज़ इक्वल टू 50। नेक्स्ट 50 प्लस 25 इज़ इक्वल टू हाउ मच, तो 50 प्लस 25 इज़ डायरेक्टली इक्वल टू 75।
नेक्स्ट है 50 प्लस 60 इज इक्वल टू, तो 50 प्लस 60 इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 110, करेक्ट। नेक्स्ट है 110 माइनस 60 इज इक्वल टू, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं 110 माइनस 60। सो व्हाट इज 110 माइनस 60 इज इक्वल टू 50। तो ये मैंने इस तरह से क्यों लिखा स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशंस को साथ में देखते हैं। सबसे पहला इक्वेशन है 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 110, नेक्स्ट है 110 माइनस 60, इट इज इक्वल टू हाउ मच 50। तो स्टूडेंट्स बस आप ध्यान से देखो तो दोनों इक्वेशन में बस एक ही फर्क है, यहाँ पर 60 यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, और सेकेंड वाले इक्वेशन में, ये सेकेंड वाला इक्वेशन, यहाँ पर 60 राइट साइड में है, तो 60 बस यहाँ से यहाँ चला गया। अगर आप दोनों को ध्यान से देखो तो पिछले पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था, जब 60 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 110 माइनस 60 इट इज़ इक्वल टू 50, और वो साइन चेंज क्यों होता है ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि 50 से हम 60 ऐड कर रहे हैं तो हमें आंसर मिल रहा है 110, ठीक है। दिस इज सेम एज 110 से जब हम 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 50, और इन अदर वर्ड्स 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 110, सो 50 इज इक्वल टू 110 माइनस 60। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 60 इज इक्वल टू 110 माइनस 50। तो ये तीनों इक्वेशन सेम है, एक ही इक्वेशन है, सबका मतलब सेम है। 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 110, यहाँ पर हम 60 को राइट हैंड साइड में ले गए, साइन चेंज हो गया, 50 इज इक्वल टू 110 माइनस 60। हम कह सकते हैं यहाँ पर जो 50 था उसे हम राइट हैंड साइड में ले गए, तो स्टूडेंट्स 50 में यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर था प्लस 50, तो प्लस 50 जब राइट हैंड साइड में जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, इसीलिए 110 माइनस 50। नंबर्स के आगे जब कुछ भी साइन हम नहीं लिखते इसका मतलब क्या है, वहाँ पर प्लस साइन है। अभी आप क्लास 4-5 में जाओगे तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के बारे में पढ़ोगे, मैं बस थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ अभी से कि जब नंबर्स के आगे कोई साइन नहीं होता है तो मतलब वो पॉजिटिव साइन होता है, वहाँ पर प्लस साइन होता है, तो इसीलिए यहाँ पर 50 राइट हैंड साइड में माइनस हो गया था, ठीक है। और आप ऐसे भी देख सकते हो 110 माइनस 50 इट इज इक्वल टू 60, तो 110 माइनस 60 यहाँ पर क्या हमने सॉल्व किया था, इट इज 50, और 50 प्लस 60 यहाँ पर क्या हो गया 110। नेक्स्ट है 320 माइनस 120 इज इक्वल टू हाउ मच, तो 320 माइनस 120 इट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 300 माइनस 320 माइनस 100 और फिर माइनस 20, तो 320 माइनस 100 इट इज 220 और फिर माइनस 20 विच इज फाइनली इक्वल टू 200, तो यहां पर आंसर आया 200। नेक्स्ट है डैश प्लस 120 इज इक्वल टू 320। तो स्टूडेंट्स अभी अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसको यूज करके इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 320 माइनस 120 इट इज इक्वल टू 200, तो वो नेक्स्ट पूछ रहे हैं डैश प्लस 120 इज इक्वल टू 320। तो अभी अभी हमने ये इक्वेशन को सॉल्व किया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 120 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो अभी हमने आपको बताया था 120 को जब आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो यहाँ पर माइनस 120 है, राइट हैंड साइड में जाके वो क्या हो जाएगा, प्लस 120। तो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिलेगा 320 इज इक्वल टू 200 प्लस 120, और क्वेश्चन में भी वो वही पूछ रहे हैं। देखो डैश प्लस 120 इज इक्वल टू 320, तो 320 इट इज इक्वल टू हाउ मच, डैश प्लस 120, तो यहाँ डैश की जगह पर क्या है, 320 इट इज इक्वल टू 200 प्लस 120, तो यहाँ पर डायरेक्टली हमारा आंसर मिल गया यहाँ पर 200। इसे समझने के लिए एक तरीका और है, जैसे आप समझ सकते हो आप 320 नंबर स्टेप पर खड़े हो, ठीक है, और आप वहां से 120 स्टेप्स नीचे आते हो और आप पहुंचते हो 200 पर, दिस इज सेम एज
200 स्टेप पर आप खड़े हो और 120 स्टेप्स ऊपर चढ़ रहे हो, फाइनली आप पहुंच जाते हो 320 नंबर स्टेप पर। इसीलिए 120 जब राइट साइड में जाता है तो साइन माइनस से प्लस हो जाता है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम। इंदूस पेंसिल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ज्योतिष पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, हूज पेंसिल इज लॉन्गर, हाउ मच लॉन्गर। इंदू की पेंसिल 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ज्योति की पेंसिल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, दोनों में से किसकी पेंसिल ज़्यादा लंबी है? तो इंदू की पेंसिल ज़्यादा लंबी है। एंड हाउ मच लॉन्गर, वो कैसे निकलेगा? हम छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 माइनस 8, तो 15 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 7। तो हाउ मच लॉन्गर, तो हूज पेंसिल इज लॉन्गर, इंदूस पेंसिल इज लॉन्गर, एंड बाय हाउ मच? बाय 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आस्क योर पापा और मम्मी प्राइस ऑफ 1 किलो सॉल्ट, प्राइस ऑफ 1 किलो शुगर, विच वन इज मोर कॉस्टली, हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट। तो जनरली प्राइस ऑफ 1 केजी सॉल्ट जो है इट इज़ इक्वल टू समवेयर अराउंड 18 रुपीज़। एक केजी सॉल्ट का दाम होता है 18 रुपये के आसपास, और एक केजी शुगर इसकी प्राइस होती है लगभग 30 रुपीज़, 30 रुपये के आसपास एक किलो शुगर आती है। तो इसकी प्राइस जो है क्वालिटी के अकॉर्डिंग वेरी करती है, बिटवीन 30 टू 50 रुपीज़ इसकी प्राइस होती है, बट जनरली हम यहाँ पर 30 रुपीज़ ले लेते हैं। अब वो पूछ रहे हैं विच वन इज़ मोर कॉस्टली, दोनों में से कौन सा ज़्यादा कॉस्टली है, शुगर या फिर सॉल्ट? तो क्लियरली यहाँ पर हम देख सकते हैं शुगर इज मोर कॉस्टली। बाय हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट, तो वो सॉल्ट से कितना ज़्यादा कॉस्टली है? तो ये हम कैसे निकालेंगे? इट इज़ 30, सिंपली छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 30 माइनस 18, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब 30 माइनस 18 कैसे करेंगे हम? 18 को ब्रेक करते हैं, 30 माइनस 18 मतलब माइनस 10 और माइनस 8, तो 30 माइनस 10 इट इज़ इक्वल टू 20, और फिर माइनस 8, 20 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 12 रुपीस। हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट, यहाँ हम लिख देते हैं 12 रुपीस। नेक्स्ट है अजय कुक्ड चपातीज इन 25 मिनट्स, देन ही मेड दाल इन 15 मिनट्स, हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कुक बोथ द थिंग्स। तो अजय ने चपाती बनाई है 25 मिनट्स में और उसने दाल बनाई है 15 मिनट्स में, और वो कह रहे हैं हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कुक बोथ द थिंग्स, तो दोनों चीज़ों को बनाने में उसको टोटल कितना टाइम लगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, यहाँ पर टोटल टाइम निकालना है हमें, मतलब यहाँ पर हमें एडिशन करना है, तो 25 प्लस 15 डायरेक्ट एडिशन करते हैं, 25 प्लस 15 करेंगे, 25 प्लस 10 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू, 25 प्लस 10 इज 35, 35 प्लस 5 इज 40। तो हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू कुक बोथ द थिंग्स, 40 मिनट्स। चंचल सेल्स स्कूल स्वेटर्स इन 2 डेज, शी सोल्ड सम रेड ब्लू एंड ग्रे कलर स्वेटर्स, स्वेटर्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, स्वेटर्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे। तो चंचल स्कूल स्वेटर्स वो सेल करती है, 2 दिन में उसने कितने स्वेटर सेल किए हैं यहाँ पर वो नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट डे में उसने 38 रेड, 66 ब्लू और 74 ग्रे कलर के स्वेटर्स उसने सेल किए हैं, और सेकेंड डे में उसने 40 रेड, 23 ब्लू, 89 ग्रे कलर के स्वेटर्स उसने सेल किए हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्रे स्वेटर्स डिड चंचल सेल इन 2 डेज, तो क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहे हैं 2 दिन में चंचल ने कितने ग्रे कलर के स्वेटर्स सेल कर लिए। फर्स्ट डे में उसने सेल किए थे 74 स्वेटर्स, सेकेंड डे में उसने ग्रे कलर के जो स्वेटर्स हैं वो सेल किए थे 89। तो हमें यहाँ पर एडिशन करनी है कि 2 दिन में उसने टोटल कितने सेल किए हैं, तो चलिए इसको यूजिंग वन सेंटेंस करते हैं। तो ये है वंस कॉलम, ये है टेंस कॉलम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वंस कॉलम को ऐड करेंगे, तो 9 प्लस 4 इज 13। तो यहाँ वंस कॉलम में हम क्या लिखें, 13 क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू
110 एंड 3 वन्स। तो यहां से हम 110 यूज करके एक एक्स्ट्रा यहां पर 10 का एक ग्रुप बनाएंगे और उसे यहां लिख लेंगे। तो कितने वन्स बच गए? 3 वन्स। तो वन्स कॉलम में हम लिख देंगे 3 और टेंस कॉलम को ऐड करते हैं। तो 7 + 1 = 8, 8 + 8 = 16। तो टोटल जो यहां हमारा आंसर आया इट इज 163। स्टूडेंट्स इसको आप एक तरीका और है इसको सॉल्व कर सकते हो। आप डायरेक्टली 9 + 4 = 13 आ गया, तो 13 का 3 आप यहाँ लिख सकते हो, 1 यहाँ पर डायरेक्टली कैरी कर सकते हो और फिर फाइनली 7 + 1 = 8, 8 + 8 = 16। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो हाउ मेनी ग्रे स्वेटर्स डिड चंचल सेल इन 2 डेज? 163 स्वेटर्स। नेक्स्ट है, डिड सी सेल मोर रेड स्वेटर्स देन ब्लू स्वेटर्स इन 2 डेज? 2 दिन में उसने क्या रेड स्वेटर्स ब्लू स्वेटर से ज़्यादा सेल किए? तो चलिए हम उसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो 2 दिन में उसने रेड स्वेटर्स कितने सेल किए वो फाइंड आउट करते हैं और फिर ब्लू स्वेटर्स उसने कितने सेल किए 2 दिन में वो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले एडिशन करते हैं। तो ये है वंस और ये है टेंस। सबसे पहले वंस कॉलम को ऐड करते हैं, 8 + 0 = 8। नेक्स्ट टेंस कॉलम को ऐड करते हैं, 4 + 3 = 7। तो टोटल रेड स्वेटर्स उसने सेल किए 2 दिन में 78 और टोटल ब्लू स्वेटर्स उसने कितने सेल किए चलिए देखते हैं। तो इसको भी सेम हम लोग टेंस और वंस में लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहले वंस कॉलम को ऐड करते हैं, 6 + 3 = 9 और 6 + 2 = 8। तो टोटल ब्लू स्वेटर्स उसने सेल किए 89। तो डिड शी सेल मोर रेड स्वेटर्स दैन ब्लू स्वेटर्स इन 2 डेज? आंसर है नो। हम देख सकते हैं रेड स्वेटर्स उसने बस 78 बेचे हैं, ब्लू स्वेटर्स उसने 89 बेचे हैं। तो रेड स्वेटर्स इट इज़ लेस देन द नंबर ऑफ ब्लू स्वेटर्स सोल्ड, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर है नो। नेक्स्ट है, हाउ मेनी रेड एंड ग्रे स्वेटर्स डिड सी सेल ऑन द फर्स्ट डे? मोर देन 120 और लेस देन 120? टिक 3 फॉर द राइट आंसर। तो फर्स्ट डे में उसने रेड एंड ग्रे स्वेटर्स टोटल कितने सेल किए? क्या वो 120 से ज़्यादा सेल किए और क्या 120 से कम सेल किए? तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमें रेड एंड ग्रे स्वेटर्स कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट डे में उसने कितने सेल किए। तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली माइंड कैलकुलेशन करेंगे। 74 + 38, तो 74 + 38 को हम कर सकते हैं 74 + 30 + 8। तो फाइनली ये हो जाएगा 74 + 30 होता है 104 और फिर फाइनली प्लस 8 विच विल बी 112। तो 112 इज ऑब्वियसली लेस देन 120, तो टिक 3 फॉर द राइट आंसर। तो 100 यहाँ पर लेस देन 120 में हम लिखेंगे 3। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्वेटर्स इन ऑल डिड शी सेल ऑन द सेकेंड डे? तो टोटल सेकेंड डे में उसने कितने स्वेटर सेल किए? क्या वो 140 से ज़्यादा थे या फिर 140 से कम? चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सेकेंड डे में उसने कितने स्वेटर सेल किए? 40 + 23 + 89। तो स्टूडेंट्स हमें ऐड करना है 89 + 40 + 23। तो इसे हम ब्रेक करते हैं, 80 को लिखते हैं, 80 + 9, 40 को एज इट इज़ लिखते हैं क्योंकि वो टेंस में ही है और 23 को हम लिखते हैं 20 + 3। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन नंबर्स को ऐड करते हैं, 80, 40 और 20, इन तीनों को हम एक साथ ऐड करते हैं। तो 80 + 40 होता है 120 + 20 होता है 140 और फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे +9 + 3। तो दिस इज इक्वल टू 140 + 9, इट इज इक्वल टू 149 और फिर +3 विच इज इक्वल टू 152।
तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 152 एंड 152 इज मोर देन 140, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 फॉर द राइट आंसर. नेक्स्ट है इज संगीता राइट. संगीता वेंट टू द मार्केट विथ हर ग्रैंडपा. संगीता अपने ग्रैंडफादर के साथ मार्केट गई. शी लुक्ड एट द प्राइसेस एंड सेड टू हर ग्रैंडपा घी इज 102 रुपीज कॉस्टलियर देन बिस्किट्स. प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज मोर देन 200 रुपीज. प्राइस ऑफ घी एंड 10 kg राइस इज लेस देन 300 रुपीज. ऑयल कॉस्ट 4.40 रुपीज मोर देन अ पैक ऑफ बिस्किट्स. तो इज संगीता राइट मार्क 3 इफ शी इज राइट और क्रॉस इन दिस बॉक्स इफ शी इज नॉट राइट. सो वी नीड टू सॉल्व दीज विदाउट यू डूइंग एनी कैलकुलेशन. मीन्स वी नीड टू डू माइंड कैलकुलेशन हियर. तो फर्स्ट लाइन में वो कहती है घी इज 102 रुपीज कॉस्टलियर देन बिस्किट्स. घी जो है बिस्किट से 102 रुपीज महंगा है. तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पर घी का प्राइस है 127 और बिस्किट्स का प्राइस है 25. तो अगर हम 127 माइनस 25 करें तो हमें पता चल जाएगा कि घी का जो कॉस्ट है वो बिस्किट के कॉस्ट से कितना ज़्यादा है. तो 127 माइनस 25 होता है 102 रुपीज. उसने कहा था घी इज 102 रुपीज कॉस्टलियर देन बिस्किट विच इज करेक्ट. तो यहाँ पर करेक्ट है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे. प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज मोर देन रुपीज 200. तो वो कह रही है ऑयल और घी दोनों का प्राइस मिला करके वो 200 रुपीज से ज्यादा है. तो दोनों को ऐड करके चेक करते हैं तो 127 प्लस 70. अब हमें 127 प्लस 70 करना है. तो 127 प्लस 70 डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग. तो दिस इज इक्वल टू 197. यहाँ पर होगा 197. तो 197 रुपीस एंड वो कह रही है प्राइस ऑफ घी एंड ऑयल टुगेदर इज मोर देन रुपीस 200 विच इज रॉन्ग. क्योंकि जो हमारा टोटल प्राइस आया घी और ऑयल का वो आया 197 रुपीस एंड इट इज लेस देन 200. तो यहाँ पर उसने गलत आंसर दिया है. तो यहाँ पर हम एक क्रॉस कर देंगे. नेक्स्ट है प्राइस ऑफ घी एंड 10 kg राइस इज लेस देन रुपीस 300. चलिए इसे चेक करते हैं. प्राइस ऑफ 10 kg राइस है यहाँ पर 150 रुपीस और प्राइस ऑफ घी है यहाँ पर 127 रुपीस. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं. 150 जो है 300 का एग्जैक्टली हाफ होता है. तो मतलब 150 को जब हम दो बार ऐड करते हैं तो तब वो इट इज़ इक्वल टू 300 होता है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर 150 से हम छोटा नंबर ऐड कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली ऐड करने के बाद 300 से कम होगा. तो प्राइस ऑफ घी एंड 10 kg राइस ऑब्वियसली 300 रुपीज से कम होगा. तो ये उसने करेक्ट आंसर दिया था. यहाँ पर हम लिखेंगे 3. ऑयल कॉस्ट 40 रुपीज मोर देन अ पैक ऑफ बिस्किट. वो कह रहे हैं ऑयल की जो प्राइस है वो 40 रुपीज मोर है देन अ पैक ऑफ बिस्किट. चलिए हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं. तो यहाँ पर ऑयल की प्राइस क्या है 70 रुपीज और यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 25. तो 70 माइनस 25 इज इक्वल टू हाउ मच. 70 माइनस 20 50 माइनस 5 मतलब यहाँ पर आ गए 45 रुपीज. तो यहाँ पर वो कह रही है ऑयल कॉस्ट रुपीज 40 मोर देन अ पैक ऑफ बिस्किट विच इज रॉन्ग. क्योंकि एक्चुअल में ऑयल कॉस्ट रुपीज 45 मोर देन अ पैक ऑफ बिस्किट. तो यहाँ पर उसने गलत आंसर दिया था. तो यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे. तो ठीक है स्टूडेंट्स ये था पार्ट 2. रिमेनिंग है स्टोरी प्रॉब्लम्स जो हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में. तब तक के लिए आप बहुत खुश रहो एंड थैंक यू.